स्वास्थ्य विभाग के उपनल कर्मियों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के आंदोलन को समाज सेवी भैरवनाथ टमटा ने भी समर्थन देते हुए उन्हें पदों में बहाल करने की मांग की है। धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे समाज सेवी भैरवनाथ टमटा ने कहा कि बीते कई महीनों से आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों की आवाज को दबाया जा रहा है। प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों की जायज मांग को सरकार को सुनना चाहिए तथा उनकी सेवा बहाल करनी चाहिए। समाज सेवी भैरवनाथ टमटा ने इस संबंध में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी वार्ता करने का भरोसा उपनल कर्मियों को दिलाया है। हम तो सरकार से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमको रोजगार मिल जाए, क्योंकि आज तीसरा महीना हमको पूर्ण होने वाला है जिसमें अभी तक सरकार हमारे बारे में सोच नहीं रही है। हम बीच में भी अभी हमारे साथी और मैं भी स्वयं देहरादून गया था सचिवालय में, कहने लगे आपकी फाइल चल रही है। उनने कहा कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, हम इसी में रह गए। बाहर की टेनम कंपनी को यहाँ के उत्तराखंड वालों को रोजगार देते हैं और हमारे उत्तराखंड में जो आंदोलन किया हम लोगों को रोजगार नहीं है। यहाँ जैसे राजस्थान से लोग आए, मुंबई महाराष्ट्र से, इन लोगों को रोजगार देते हैं। और मैं टमटा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे बीच में आए, हमको दो शब्द कहकर आपने हम लोगों को हमारे को लिए बहुत उत्साह बढ़ाया है, जिससे मैं आप समर्थन भी दिया और मैं आप लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इनकी जो ये डिमांड है काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग है और मालूम चला है कि करीब 6 महीने के लिए इनको दोबारा रखा गया था और अभी 3 महीने से फिर उनको निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उससे क्या होता है कि कर्मचारी का मनोबल टूटता है। उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने बच्चे पालने होते हैं। अगर इस प्रकार से अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो जो है उसका एक बड़ा ही जो है बुरा असर पड़ता है। काफ़ी लंबे समय से अगर ये मांग कर रहे हैं, जब कोरोना पीक पे था तब उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जब लोग अपने घरों में कैद थे उस समय इन लोगों ने अपनी सेवाएँ दी हैं, अपनी जान की परवाह नहीं की। और ऐसे समय पर जब इनकी सेवाएँ का इस्तेमाल किया गया है तो इसी आधार पर मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनको न केवल दोबारा रखा जाए बल्कि इनको परमानेंट रखा जाए। क्योंकि तो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जब आप किसी को रखते हैं तो उनके गले में एक तलवार से लगी रहती है कि कब हमें निकाल देंगे। वो अपने बच्चों के बारे में सोच नहीं पाते हैं। और जिस प्रकार से अभी हम बात करते हैं कि प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो और जो उन्होंने रोज़गार देने का वादा किया है, तो अगर ऐसी बातें हैं तो जो ऑलरेडी जो जिनके आप सेवाएं ले चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है इनके बारे में बड़ा ढंग से सोचेगी और इनको जो है कहीं ना कहीं विभाग में एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।